हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर आपके साइंस के जो है सामान्य विज्ञान के मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जो है ऑलरेडी जो है 1, 2, 3, 4, 5 तक सेट तक आपका जो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, तो इसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के हर एक नोटिफिकेशन को टाइम पर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है। अदिश राशि का यहाँ पर उदाहरण पूछा जा रहा है, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, और यहाँ पर भी विद्युत धारा दिया हुआ, तो मतलब कि इन सभी में से क्या अदिश राशि कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है 1 और 2 है, 1, 2, 3 है, या 1, 2, 4 है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ आगे कि उच्च स्तरीय। तो जो आपका अदिश राशि का उदाहरण यहाँ पर वो हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि द्रव्यमान, ताप और यहाँ पर विद्युत धारा। यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो कुछ और होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर अदिश राशि का उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ पर सदिश राशि को दे देता है जैसे कि बल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है हमारा, कि एक वर्ष में जो है प्रकाश द्वारा निर्वात में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक लाइट ईयर होता है आपका, यहाँ पर हो जाता है 9.46 × 10^15 मीटर में हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वो दूरी की इकाई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला कथन दिया हुआ आपका पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, और दूसरा है कि एक पारसेक का मान 3.08 × 10^16 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही है, दोनों सही है, दो सही है, फिर दोनों सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका और ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो कथन यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है कि पारसेक जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक का मान इतना होता है, दोनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर C3 का सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ल्यूमेन किसका गुणक है। हमारा जो ल्यूमेन है वो किसका मात्रक होता है। तो ल्यूमेन जो है वो आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 4 का B। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स की अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली कब लागू हुई। तो मैट्रिक्स की यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 1975, 1968, 1969, 1971। तो मैट्रिक्स की जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणाली है वह आपका 1971 में लागू हुई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है। युवा प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पर जो इसका SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो इसका SI मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे यंग प्रत्यास्था गुणांक भी कहा जाता है, और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका जो है SI मात्रक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, रिवायत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसके यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा A = V/T। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई है जो दाब की है। तो दाब का जो है मतलब कि पूछा जा रहा है कि जो दाब का ऐसे मात्रक होता है वह पास्कल होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इनमें से किन का जो है SI यूनिट इसी के बराबर होता है। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका प्रतिबल हो जाएगा, इसका भी जो SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिविता का मापन पूर्वजों द्वारा किया जाता है, नैनोमीटर में, पॉलीरीमीटर, GM काउंटर, हेनरी मीटर द्वारा। किसके द्वारा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका GM काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C9 का हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 kW एनर्जी का जूल में रूपांतरित मैन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 1 kW घंटा जो होता है वो बराबर हो जाता है आपका 3.6 × 10^6 जो है जूल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, 10 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाल का मूल गुण क्या है। यहाँ पर दिया हुआ NM मतलब कि चाल का यहाँ पर जो आपका पूछा जा रहा है जो मैसर्स हो जाएगा, मूल गुण क्या हो जाएगा, मूल गुण पूछा जा रहा था। तो चाल का मूल गुण हो जाएगा मैसर्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ के संवेग और शाकाहारी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो
तो यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है वेग, मास, चित्रांकन या फिर बल, तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मास, यानी कि उसका द्रव्यमान जो है वह प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर के बराबर जो है यहाँ पर क्या होता है, तो एक लाइट ईयर के यहाँ पर हो जाएगा बराबर जो होता है क्या होता है, तो हो जाता है आपका 9.46 × 10⁻¹⁰ यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का ये सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ML-3 किस भौतिक राशि की विमा है, यहाँ पर जो है डायमेंशन पूछा जा रहा है। जो ML-3 होता है वह किसकी जो है विमा है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा घनत्व की। घनत्व तो इज इक्वल टू होता है हमारा डेंसिटी, इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एम हो जाएगा, और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो उसका हो जाएगा Al-3 यहाँ पर एल क्यू, तो ML-3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति आरंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अंतिम स्थिति और जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है उसके जो है न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो है विस्थापन कहते हैं, विघटन, या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के पहले नियम के बारे में क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के पहला नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और न्यूटन के जो है दूसरे नियम से हमें जो न्यूटन के दूसरे नियम से जो सेकंड लॉ है उससे हमें क्या मिलता है, बल का जो है सूत्र मिलता है एफ इज इक्वल टू एम ए, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना आयतन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी लिपि के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, मतलब कि वह गतिमान विराम अवस्था में होता है उसको जो स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है, इसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, यदि किसी ना कर दिया जाए तो उसका भार दोगुना होता है, गतिज ऊर्जा 4 गुना, इलेक्ट्रिकल दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुना होता है। किसी भी वस्तु का जो हम जब वेग को दोगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुना हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv². ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गतिज ऊर्जा को दोगुना करेंगे तो उसका जो यहाँ पर जो है क्या है, काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, तो ये जब 2 गुना होगा तो ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर दिया हुआ डिज़ाइन का अग्रिम सिद्धांत, पानी में झाड़ियों का टेढ़ा दिखाई देना, पैर से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोलियां समय के पीछे की ओर झटका लगाना। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पानी में झाड़ियों का टेढ़ा दिखना, यह जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 19 का भी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, थर्म जो है वह किसकी यूनिट है, शक्ति का, प्रकाश का, उम्र का, या दूरी का। तो थर्म जो यहाँ पर ना शक्ति का, ना प्रकाश का, ना ही जो दूरी का यूनिट है, वो आपका जो उम्र का यूनिट है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है साइंस के कुल जो है 20 क्वेश्चन को कर लिए है, और ये हमारा जो है वो सेट 6 था। तो यहाँ पर जो है वीडियो पसंद है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डेली इंडियंस एग्जाम के हर एक अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो अपनी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।